सर मेरे कोच नहीं है यहाँ पे। कोच नहीं है? नहीं है। कौन है कोच? कौन है? मेरे साहिवाल के कोच हैं सर फयाज। मतलब वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं सब कुछ, मतलब 2 साल से उनके पास ऐसी ट्रेनिंग कर रही हूँ। कैंप सब लगता है वापडा का या कोई भी, तब वो आ जाते हैं, लेकिन अब भी ओलंपिक्स का इन्होंने अभी तक कैंप भी नहीं लगाया। कैंप नहीं शुरू हुआ? तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रही हैं? जी सर। मैंने बस उनसे ये जिक्र किया कि आप बेशक कैंप ना लगाएं, लेकिन एटलीस्ट कोई लेटर निकाल के कोच को मेरे साथ अटैच कर दें। चले नहीं तो फेडरेशन ने जो कोच दिया है, मतलब वो अभी उन्होंने जब पीओए ने मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस किया कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने कोई एक्शन लिया, तो फेडरेशन ने कोच निकाली ज़रूर है, फीमेल हैं, लेकिन वो मेरी कोच नहीं है, उनको मेरे साथ अटैच कर दिया और कहा कि आपका कोच नहीं आएगा। ये किन्होंने किया? फेडरेशन ने। इसको करते मैंने उनसे बात जरूर किया है कि सर इतने कम टाइम में कोच चेंज नहीं किया जा सकता, कि एक शेड्यूल चल रहा है प्रॉपर और अब आकर इस तरह हो तो। अब सर खाली ने बोला तो है कि वो अब एक्शन लेंगे इसके ऊपर भी। ठीक है, मैं भी सुनूंगा, मैं भी उनसे बात करता हूं। मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई भी मुझे, मैं भी उनसे बात करता हूं सुबह खाली साहब से। नहीं सर, खाली ने बोला कि वो एक्शन लेंगे, उन्होंने प्रॉपर उन फेडरेशन वगैरह को मेल किया कि आप एक्शन लें इसके ऊपर। लाहौर से ही हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक है और पेरिस की जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, मेहनत किया तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो किसी की भी जर्नी जो है आसान नहीं होती है, हर्डल्स आती हैं, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अचीव किया, सब कुछ किया, तो अब मैं यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँची हूँ। मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, अब अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी साथ देगा, तो मेहनत मैंने करी है तो इंशाल्लाह वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करूँगी। उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँगी ताकि पाकिस्तान को इतना मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। शैली है जमैका की, ये उसकी लास्ट ओलंपिक्स है, उसके बाद उसने डिज़ाइन कर देना, तो उसने ये बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि मैं लास्ट ओलंपिक्स है, तो इस और मेरे लिए खुशनसीबी देखें कि मैं इस ओलंपिक्स पे जा रही हूँ। इंशाल्लाह वहाँ जाकर उससे मुलाकात ज़रूर होगी और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ।